अपनी पार्टी की इनॉग्रेशन डेट क्या थी, क्या था इनका मैनिफेस्टो एग्जैक्ट? आप बता पाएंगे उसका? आप बता पाएंगे सर? इनॉग्रेशन डेट तो नहीं पता। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट जो था मैनिफेस्टो में जिस पर बात हुई थी वो क्या हुई थी? वो सर एक्चुअली बता, मतलब आप लोग अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर, आपने अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल्स, मैनिफेस्टो, गाइडलाइंस क्यों नहीं पढ़ी है? आप देखिए, मैं मतलब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, आप उसका पहले एक बुनियादी, आप अपने बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, आप पहले उसको जानते हैं स्कूल का क्या क्या। मैं सही कह रहा हूँ? तो ये थी कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स की वापसी की बात हुई थी उनके मैनिफेस्टो में, आपको मालूम है किस बुनियाद पर की गई थी? वो तो डेफ बोल ही दीजिए ना, आप मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ सर। आई डोंट नो, इस पार्टी से जुड़ती है इसीलिए आपने ज्वाइन किया। तो आपको पहले इन चीज़ों का बुनियादी बेसिक पता होना चाहिए ना, फाउंडेशन पता होनी चाहिए, वो चीज़ें क्यों नहीं है मालूम? मानते कहीं ना कहीं ये एक चूक हुई आपसे। हाँ चूक। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल खान। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा है और युवा से ही देश जो है वो मुकाम मंजिल की ओर बढ़ता है। लेकिन ये तीन युवा मेरे साथ हैं, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इन्होंने अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी ज्वाइन किया। सवाल मेरा ये रहेगा कि किस सोच विचारधारा से ज्वाइन किया, क्या मैनिफेस्टो है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या इन सब चीज़ों को इन्हें मालूम है? अगर ये युवा अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने का क्या कोई ख़ास कारण है? सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एंड मुबारक आप सबको कि आपने अपनी पार्टी ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी पार्टी इनॉग्रेशन डेट क्या थी और क्या है अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, आप बता पाएंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें यहाँ पे एक मकसद के लिए कि हम यूथ हैं तो हम कुछ आगे करना चाहेंगे, हमें एक मौका मिला है कि हम अपने देश को, अपने सरकार को, जो भी हम जिसमें आए हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूथ आगे जाके कर सकता है, तो हमें वो मौका मिला। आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की है, इसका मतलब आपको अपनी पार्टी में इंटरेस्ट था कि ये पार्टी जम्मू कश्मीर में काम कर सकती है। आप मुझे बता पाएंगे अपनी पार्टी की इनॉग्रेशन डेट क्या थी, क्या था इनका मैनिफेस्टो एग्जैक्ट? आप बता पाएंगे उसका? आप बता पाएंगे सर? इनॉग्रेशन डेट तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अब हम जिस पार्टी में आए हैं ना, इस पार्टी को उस लेवल तक ले जाएंगे कि अपनी स्टेट जो है एक रिप्रेजेंट हो सके कि हमारी एक स्टेट है। एक बात है, आप सब अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी इस पार्टी से विचारधारा, सोच मिलती होगी, प्रोटोकॉल बता पाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल मिलती है हमारी विचारधारा। प्रोटोकॉल बता पाएंगे? देखो सर, प्रोटोकॉल का मतलब नहीं है, मेन ये है कि पार्टी क्या सोचती है, जम्मू और कश्मीर को एकजुट करने के लिए ये पार्टी क्या कर रही है। हमारी मेन सोच यही है कि एक ये ऐसी पार्टी है जो दोनों फितों को लेकर चल रही है, जम्मू को और कश्मीर को भी साथ में। आगे जितनी पार्टी है वो जम्मू के अलग से बात करते हैं और कश्मीर के अलग से बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी एक होनी चाहिए, जिसका मुद्दा एक होना चाहिए, और ये पार्टी उस मुद्दे पे चल रही है। जब तक ये चलेगी हम दिन रात इस पार्टी का साथ देंगे और चलेंगे हम इस पार्टी के साथ में। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई थी अपनी पार्टी ने, आपको मालूम है क्या बात हुई थी वो? उनका ये कहना है कि हम जिस मकसद के लिए आगे आए हैं तो उसके लिए हम आगे काम करेंगे। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट जो था मैनिफेस्टो में जिस पर बात हुई थी वो क्या हुई थी? वो सर एक्चुअली बता, मतलब आप लोग अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर, आपने अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल्स, मैनिफेस्टो, गाइडलाइंस क्यों नहीं पढ़ी है? आप देखिए, मैं मतलब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, आप उसका पहले एक बुनियादी, आप अपने बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, आप पहले उसको जानते हैं स्कूल का क्या क्या। मैं सही कह रहा हूँ? तो ये चीज़ें मुनासिब होनी चाहिए। वो इनका पार्टी का है ना प्रोटोकॉल है, वो हमें मालूम है कि क्या क्या वर्ड लेके चल रही है ये आगे। जैसे कि स्टेटहुड है, हमें स्टेटहुड चाहिए, यूटी हटनी चाहिए, यूथ को आगे लेके जा रहे हैं, जॉब्स के लिए कर रहे हैं कि जैसे हमारी पार्टी सत्ता में आएगी यूथ आगे। जॉब्स के लिए क्या कहा था? नहीं, जॉब्स के लिए कहा डेफिनेटली, जैसे पार्टी आएगी हमारी मौजूद आएगी तो जॉब्स। बुखारी साहब ने क्या कहा था जॉब्स पे? बुखारी साहब ने कहा डेफिनेटली करेंगे और वो उनकी बात चल भी रही है। क्या करेंगे, कितनी जॉब्स आएंगी? नहीं, जितनी भी होगी, जितनी वैकेंसी निकलेगी तकरीबन करेंगे वो, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पा, एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता, एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता ना नंबर्स। एग्जैक्ट आप लेके चलोगे कि हम इतनी ही जॉब्स दे देंगे वो नहीं हो सकता। उस टाइम पे भी अल्ताफ़ साहब का एक बयान आया था, नहीं वो जो आया था उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ये भी आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। जो उनका स्टेटमेंट आएगा वो पत्र की लकीर होगी, वो ये नहीं होगा। मेरी माइग्रेंट पंडित्स की बात की गई थी, उसमें मालूम था बुखारी साहब ने क्या बात की थी? वो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी पार्टी की जो मैन है जिससे अपनी पार्टी की बुनियाद बनी थी, कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स की वापसी की बात हुई थी उनके मैनिफेस्टो में, आपको मालूम है किस बुनियाद पर की गई थी? वो तो डेफ बोल दीजिए ना, आप मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ सर। आई डोंट नो, ऐसा क्या, क्यों नहीं, मतलब क्यों नॉलेज क्यों नहीं रखते पार्टी की अगर आप पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो?
सर पार्टी को तो जस्ट अभी ज्वाइन की है, जस्ट हमने यही देखा है कि हमारी आपकी मेंटालिटी विचारधारा इस पार्टी से जुड़ती है, इसीलिए आपने ज्वाइन किया। तो आपको पहले इन चीज़ों का बुनियादी बेसिक पता होना चाहिए ना, फाउंडेशन पता होनी चाहिए, वो चीज़ें क्यों नहीं है मालूम? मानते कहीं ना कहीं एक चूक हुई आपसे। हाँ हाँ, चूक की बात नहीं है, हमें बस यही पता चला है कि जब हम यूथ को लेके आ रहे हैं, हमारी यूथ के लिए यूथ को आप यूथ के डाउट्स क्लियर कर पाएंगे ग्राउंड जीरो के कि क्या थी वो चीज़ें सर, जब आपके खुद क्लियर नहीं है? यूथ इज़ जस्ट ए यूथ, यूथ को यही है कि यूथ को रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ भी कोई स्टेट में यूथ को रिप्रेजेंट, पार्टी में किस जगह पे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ जिन चीज़ों को आप जब लाइक अभी जो हमारे यहाँ पे मास प्रमोशंस की बात चल रही है, जो हमारी स्टडीज़ की बात चल रही है, मालूम है मास प्रमोशन का अपनी पार्टी से एजिटेशन किसने लड़ा था? किससे लड़ा था बताएं? आप बता पाएंगे किसने लड़ा था? आप बता पाएंगे सर? टेल मी फर्स्टली। रकीक खान ने लड़ा था जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर एजिटेशन अपनी पार्टी से मास प्रमोशन का। तो मेरा मकसद ये है आप लोगों से कहने के कि आप अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बेसिक ग्राउंड्स जो होने चाहिए वह मालूम होने चाहिए, प्रोटोकॉल मैनिफेस्टोज, बुखारी साहब की सोच क्या थी? आज ही हमने पार्टी ज्वाइन की है, बुखारी साहब से दोबारा हमारी मुलाकात होगी, जैसे मुलाकात होगी पूरी पिक्चर हमारी क्लियर होगी सारी। आपने बुखारी साहब से मिलने से पहले कैसे ज्वाइन कर लें अगर आपके डाउट्स थे? नहीं, बुखारी साहब से हमने मुलाकात की है, ऐसी बात नहीं है, हमें भी पता है वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, इतने वो नहीं है कि हमें नहीं पता कि वो गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं, हमें पता है जो उन्होंने डिसीजन लिया वो राइट डिसीजन लिया है, और आप कभी ये नहीं सोचोगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जो भी करेंगे वो स्टेट के लिए, स्टेटहुड के लिए करेंगे, जेके यूटी के लिए करेंगे, ये हमें वो तो कर रहे हैं, ये वो तो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें पूछी आपसे, आप मानते हैं ना कि वो चीज़ें नहीं मालूम थी? उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पार्टी की बेसिक फाउंडेशन का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप, मींस मेरा मतलब ये नहीं है कि कब इसका जन्म हुआ पार्टी का, कब शुरू हुई है, हमने देखना कि आगे हम पार्टी को कैसे लेके चले। जब बुनियाद ही नहीं पता तो क्यों नहीं बुनियाद पता? पता ना बुनियाद भाई, इनॉग्रेशन पूछा था ना आपसे, मैं एक छोटी सी बात ही ना, आपके जहन में चीज़ें होनी चाहिए ना बुनियादी पार्टी के रिलेटेड, मुझे मालूम है मेरे न्यूज़पेपर का मैं काम कर रहा हूँ, मालूम है भाई, ऐसी बात नहीं है। क्या है? सोहेल सर को भी मैं जानता हूँ, ऐसी बात छोड़े ना, अभी ये बताएं ना आपका क्या है, इनॉग्रेशन का बताएं ना, वो जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको नहीं मालूम है? फिलहाल नहीं है मालूम, जो भी होगा आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तीन यूथ हो जम्मू कश्मीर के, आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की है, क्या लगता है कि जो आता यूथ है उनके ये डाउट्स क्लियर करवा के ही अपनी पार्टी ज्वाइन करवाओगे, और उनको पहले ग्राउंड जीरो पे बताओगे कि हमारा क्या सोच विचारधारा और हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं? उनके डाउट जब क्लियर होंगे ना तभी वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके डाउट क्लियर नहीं। आपने कर ली थी ना? मेरे डाउट क्लियर है भाई, क्लियर है तभी तो ज्वाइन की है पार्टी, क्लियर नहीं होता क्यों करता ज्वाइनिंग? कुछ जो ग्राउंड की बातें थी वो मुझे लगता थोड़ी सी कमी है, वो आने वाले टाइम में आपको सब पता लगेगा। चलिए जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अपनी पार्टी के कुछ युवाओं ने अपनी पार्टी ज्वाइन किया, सवाल ये थे कि अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का क्या कोई खास कारण है, क्या वजूहत हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक युवा है, और एक युवा अगर अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहले उसे उस पार्टी की डेट्स, उस पार्टी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, इवन कि उस पार्टी के कामकाज पे और उस पार्टी की कार्रवाई पे अपनी पूरी जहनीत रहनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों से थोड़ी बहुत गलती हुई है, इनको मालूम नहीं है कि अपनी पार्टी के इनॉग्रेशन की डेट क्या है, अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल क्या है, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स की वापसी पे क्या है, यानी कि ये कुछ चीज़ें जो मेन ग्राउंड की हैं वो मुझे लगता है कि वो नहीं मालूम है और अपनी पार्टी ज्वाइन करने आए हैं। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है, क्या रहता है सबसे बड़ा सवाल, लेकिन आप देखते रहें फिलहाल डेली तस्की न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।